हर एक भारतीय के लिए इसका सेवन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, गामा ओरिजिनल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियंस। आठ ऐसे फैक्ट्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए आपको ये इसके बारे में बताती जाऊंगी, और एक एक करके आपको भी ये एहसास होता जाएगा कि वाकई गामा ओरिजिनल तो हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले फैक्ट की बात, सबसे पहले मैं बात करूंगी हृदय रोग के बारे में। क्यों बात करूंगी हृदय रोग के बारे में? क्योंकि ये हमारे देश भारत का इस समय का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ संकट है। आप सब जानते हैं कि कोरोना बहुत बड़ा संकट है। कोरोना ने हमारे शरीर, हमारे देश में एक वर्ष में जितना नुकसान किया, उसका 5 गुना ज्यादा नुकसान हृदय रोग की वजह से हर बरस भारत में हो रहा है। अगर यहां पर हमने समझदारी से काम ना लिया, अगर इसे कंट्रोल ना किया, तो बहुत जल्दी, जैसे हम डायबिटीज की राजधानी बन गए हैं, हम हृदय रोग की भी बन जाएंगे। पूरी दुनिया में डायबिटीज के इतने मरीज नहीं जितने हमारे देश भारत में हैं, उसी तरह से हमारा देश भारत एक बार हृदय रोग के लिए भी सबसे अव्वल नंबर पर आ जाएगा। क्या ऐसा होता हुआ हम देख सकते हैं? क्या आरसीएम परिवार के होते हुए ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हृदय रोग के बारे में सबसे पहले बात करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि कोविड के बाद हमारे देश में हृदय रोग की जो धारणाएं हैं, जो इसके लक्षण हैं, वो कुछ बदलते जा रहे हैं। ये हृदय रोग जो पहले 40-45 के बाद की उम्र में होता था, वो अब 20 से 40 की उम्र के बीच में होने लगा है। जी हाँ, नौजवानों को हार्ट अटैक का की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में, जैसा कि अभी धनराज जी ने बताया, कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से होने लगता है। देखिए, ये जो पिक्चर है आपकी मांसपेशी की पिक्चर है, यहाँ पर ये पीले रंग का कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। इस तरफ देखिए कि इस तरफ से जो रक्त का संचार है कितनी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज होने की वजह से इस तरफ रक्त कितना सा पहुंच रहा है। ये अगर ये सिनारियो हमारे शरीर के अंदर होने लगता है, तो हमारे हृदय के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि उसने सिर्फ इतनी सी जगह में से इतना सारा रक्त को प्रवाह करना है, वो और प्रेशर से पंप करता है और जोर से रक्त को पास करने की कोशिश करता है। इसी प्रेशर की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से एक व्यक्ति को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। अगर मैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में बात करूं, हृदय रोग के एवज में गामा ओरिजिनॉल की बात करूं, तो गामा ओरिजिनॉल को हमारे विश्व में बड़े बड़े देशों ने अलग अलग धारणाएं, अलग अलग मान्यताएं प्रदान की हैं। सबसे पहले दुनिया में 1954 में गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकालने वाली कंट्री जापान की अगर मैं बात करूं, तो जापान ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी कि हमारे शरीर में बढ़े हुए लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। दोनों देशों का यह मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक प्रयोग हमारे शरीर में हमारे हृदय को सेफगार्ड करता है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव मानव जाति के शरीर पर नहीं है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल एक बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करता है। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करता है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये बात जान चुकी है। इसी वजह से अलग अलग कंपनियां अलग अलग दावों के साथ, अलग अलग पैकिंग्स के साथ गामा ओरिजिनॉल को जन जन तक पहुंचा रही हैं। वहीं पर वो सब लोग जो स्टैटिन का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने भी स्टैटिन से एक तरह से मुड़कर गामा ओरिजिनॉल की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि सब लोग ये समझ गए हैं कि स्टैटिन का प्रयोग करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के दुष्प्रभाव पैदा हो जाते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत ने गामा ओरिजिनॉल को FSSAI के द्वारा मान्यता प्रदान की है। इसे एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल को रिड्यूस करता है। देखिए, हृदय रोग का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, पहला रिस्क फैक्टर है हमारे शरीर का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, तो डेफिनेटली आपका हृदय सेफगार्ड रहेगा। यहां तक कि अगर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर नीरज कुमार, जो कि मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग के, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप, जब हम इसका लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं, ये अपने आप हमारे शरीर के लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है।
लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है। तो जी हाँ, हर वो भारतीय जिसने अपने हृदय को सेफगार्ड करना है, जिसने अपने हृदय को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करना है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, उस हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनोल की जरूरत है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो करीब करीब 88% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे फैक्ट की, तो दूसरा फैक्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जो जो व्यक्ति ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा है उसके लिए गामा ओरिजिनोल बहुत जरूरी है। अब ऑक्सीजन का प्रयोग कौन कर रहा है? वो हर व्यक्ति जो जीवित है, वो हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है। सांस है तो जिंदगी है, सांस है तो जीवन है, सांस नहीं तो जीवन समाप्त। लेकिन क्या आपको पता है कि सांस के द्वारा ये जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन सेल्स के ऊपर फ्री रेडिकल अटैक होने लगता है, और ये फ्री रेडिकल अटैक हमारे सेल्स को डैमेज करता है। हमारा पूरा शरीर, अगर मैं बेसिक तौर पर बताऊं, तो इन सेल्स से ही जुड़कर बना है। इसके अलावा ये जो फ्री रेडिकल डैमेज है, ये फ्री रेडिकल डैमेज हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। बहुत सारी बीमारियां यानी कि हमारे हृदय के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, हमारी मांसपेशियों पर इफेक्ट कर सकता है, हमारे जॉइंट्स पर इफेक्ट कर सकता है, स्किन पर, त्वचा पर, ऑर्गन पर, लंग्स पर, सब कुछ। तो अगर ये फ्री रेडिकल डैमेज यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसके अलावा हमारे ऊपर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब ये फ्री रेडिकल डैमेज की अगर मैं बात करूं, तो ये तो हर पल हर क्षण हमारे शरीर में हो रहा है। हम जब जब ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, तब तक हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है। तो फ्री रेडिकल डैमेज का अंदाजा अगर आप लगाएं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। उस लेवल के फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना पड़ता है। अब यहां पर हमें यह देखना होगा कि उस लेवल का एंटीऑक्सीडेंट कौन है, यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना पड़ता है, तो भारत में सबसे ज्यादा विटामिन ई का सेवन किया जाता है, और विटामिन ई के मुकाबले गामा ओरिजिनोल हमारे शरीर में 4 गुना ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, 4 गुना ज्यादा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यहां पर अगर मैं डॉक्टर नमिता नादर की स्टेटमेंट की बात करूं, तो जी हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से डॉक्टर नमिता नादर का ये मानना है कि गामा ओरिजिनोल एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, वो एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। तो जी हाँ, हर वो व्यक्ति जो ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा है, जो फ्री रेडिकल डैमेज से बचना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनोल का सेवन करना चाहिए। तीसरे नंबर पर इन्फ्लामेशन। हमारे शरीर में बहुत सारी इन्फ्लामेशन रोजमर्रा की सिनेरियो में बनती रहती है। क्यों बनती है? क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन का सेवन कर रहे हैं, उसके द्वारा कुछ ना कुछ डर्ट, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हमारे शरीर में दाखिल होती रहती हैं। उनकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हमारी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, और उसकी वजह से जब ये इन्फ्लामेशन लगातार लंबे समय तक होती रहती है, लगातार लंबे समय तक भी होगी, क्योंकि हम जानते हैं जो पानी, हवा और भोजन का सेवन हम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। उसके द्वारा हर रोज कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर के अंदर जा ही रहे हैं, और इन्फ्लामेशन रोजाना हो ही रही है। तो जब ये क्रॉनिक रूप ले लेती है, लंबे समय तक चलती है, तो अनेकों प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है, चाहे वो लंग्स के ऊपर डैमेज करना, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करना, हृदय रोग को बढ़ाना, या फिर अल्जाइमर्स, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत कुछ। तो इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनोल बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनोल पर, जहां पर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे लोगों ने खुद से, स्वय इच्छा से इन वीडियोस को बनाकर हम तक पहुंचाया है, और इसमें ये बताया गया है कि उनकी वर्षों पुरानी इन्फ्लामेशन जो है वो कंट्रोल हुई है। इसके बारे में अगर मैं डॉक्टर संजय चुग, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं एम्स हॉस्पिटल
नई दिल्ली से उनकी बात करूं तो उन्होंने कहा है कि गामा ओरिजिनोल हमारे शरीर में इंफ्लामेटरी मार्कर्स को ढूंढ कर उसके ऊपर काम करता है, राइट। तो इसके अलावा यानी कि जो भी हमारे शरीर में इंफ्लामेशन हो रही है, क्रॉनिक इंफ्लामेशन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें गामा ओरिजिनोल का सेवन करना ही होगा, हर एक सदस्य को, हर एक भारतीय को करना होगा। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं कैंसर सेल्स की, तो जी हाँ, हमारे शरीर में हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं। ये कैंसर सेल्स किसी भी समय, जैसे ही इन्हें पोषण मिलना शुरू करता होता है, जैसे ही इन्हें ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू होती है, ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि नरगिस दत्त, ऋषि कपूर, इरफान खान, इन सबको कैंसर हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर को सर्वाइव नहीं किया जा सकता। मातृशक्ति ने ये करके दिखाया। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लीजा रे, इन्होंने बताया कि कैसे गामा और कैसे कैंसर को एक सही मानसिक दृष्टि से अगर देखा जाए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से अगर फाइट किया जाए, तो इससे फाइट किया जा सकता है। हमारे पास एक और बेहतरीन टेस्टिमोनियल है अमित सकारिया जी का, जहां पर इनको मात्र 3 महीने का समय दिया गया था, गंभीर रूप से शरीर में कैंसर पैदा हो गया था, और डॉक्टर्स ने बताया कि आपके जीवन के 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अमित सकारिया जी के गामा ओरिजिनोल की भरपूर यूजेज के बाद, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को कैप्सूल्स का सेवन करने के बाद, आज के इनकी रिपोर्ट में कैंसर का एक भी अणु नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, गामा ओरिजिनोल हमारे शरीर के नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर काम करता है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, और हमारे शरीर के एंजियोजेनेसिस को कट करने की क्षमता रखता है। एंजियोजेनेसिस यानी कि कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलने के प्रोसेस को। यहाँ तक कि भारत के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनोल का जब लगातार लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स को पनपने का मौका नहीं मिलता। तो जी हाँ, हर वो व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं और वो चाहता है कि उनके उनको ब्लड सप्लाई ना हो, उसके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट रहें, तो उसे गामा ओरिजिनोल का सेवन डेफिनेटली करना होगा और हर एक भारतीय को करना होगा। पांचवा फैक्टर है इम्यूनिटी। कोरोना काल में हम देख चुके हैं कि कैसे गामा ओरिजिनोल ने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए, हमारी संस्कृति में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, मुलेठी, टर्मरिक। लेकिन सबसे उच्चतम तत्व कौन सा है? सबसे उच्चतम तत्व है अक्षत, जो देवताओं के भोजन में शामिल किया गया था। इस अक्षत से ही निकाला गया चावल, चावल इस अक्षत से ही निकाला गया आपका अपना गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करता है। कैसे काम करता है? ये हमारी एलर्जी को कंट्रोल करता है, ये हमारे इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये हमारे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, गट हेल्थ पर बहुत बड़ी सपोर्ट देता है, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, को एनहांस करता है। जब इन सभी चीजों पर गामा ओरिजिनोल काम करेगा, तो डेफिनेटली इम्यूनिटी भी राइज होगी। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे भविष्य में आने वाले किसी भी संकट से मेरा शरीर बचा रहे, मेरा शरीर समृद्ध रहे, उसे गामा ओरिजिनोल का सेवन करना होगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इस बात की सलाह दी है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनोल का सेवन करने की जरूरत है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब बात करती हूँ छठे फैक्टर की। हर एक भारतीय आज की तारीख में स्ट्रेस भरा जीवन जी रहा है। जी हाँ, 88% भारतीय स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं, एंग्जाइटी भरा जीवन जी रहे हैं। सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे के मुताबिक गामा ओरिजिनोल को सबसे पहले जापान में ढूंढ निकालने वाले जापान के जो साइंटिस्ट थे, कोनिको और शुचिया, उन्होंने यही बताया कि एंटी स्ट्रेस एजेंट है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं पर काम करता है। ये हमें रिलैक्स करने का काम करता है, ये हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को। तो हमारे शरीर में अगर स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी की मैं बात करूं, तो मेंटली स्ट्रांग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। यहां तक कि अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, तो क्वेलेनाइट नाम का एक तत्व है जो कि बहुत सारे दावे करता है। अगर इसका प्रयोग आप करते हैं, सुबह आप अलर्ट उठते हैं, आपको रिफ्रेशिंग नींद आती है, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और ना जाने क्या क्या। और 100 दिन की यूजेज के बाद अगर रिजल्ट ना मिले, तो पैसे वापस। 100 दिन का मतलब कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने में कौन काम करता है? हमारा अपना
गामा ओरिजिनल, जी हाँ, क्वेलेनाइट, जो इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब 7,000 रुपए में बिकता है। ये गामा ओरिजिनल का पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कोई और नहीं, गामा ओरिजिनल है। और इसके बारे में अगर मैं डॉक्टर प्रतिभा डोगरा की स्टेटमेंट आपको बताऊं, तो डॉक्टर प्रतिभा डोगरा ने बताया कि कोरिया में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि पूरी दुनिया में इंसोमनिया नाम की समस्या को हील करने के लिए एकमात्र तत्व है गामा ओरिजिनल। स्ट्रेस को कम करने के लिए भी कुदरती उपचार है गामा ओरिजिनल। तो जी हाँ, हर वो व्यक्ति जो चिंता से छुटकारा लेना चाहता है, जो अपने मानसिक सेहत को स्ट्रोंग करना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनल की जरूरत है। बढ़ती हूँ सातवें फैक्टर पर। क्या आपको लगता है कि भारत रोग मुक्त हो गया है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों लोग अभी भी अनेकों बीमारियों से जूझ रहे हैं, और ये लाखों करोड़ों लोग अलग अलग एलोपैथिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ, एलोपैथिक दवाएं हमारी बीमारी के सिम्टम्स पर काम करती हैं, वहीं पर गामा ओरिजिनल हमारी बीमारी के रूट कॉज पर काम करता है। रूट कॉज पर काम करने वाला गामा ओरिजिनल जब एलोपैथिक दवा के साथ मिल जाता है, तो बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। जैसे कि डायबिटीज की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी पर काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करता है, हमारे शरीर, हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होकर हमारे डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, यहाँ तक कि इंसुलिन एक बार फिर से हमारे शरीर में बनने लगता है। वहीं पर अगर मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी की बात करूं, तो उन्होंने बताया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मानना है ये एंटी अल्सर एजेंट है, ये एंटा एसिड है, हमारे शरीर में काम करता है। इसी प्रकार से अलग अलग अखबारों में इसके बारे में अलग अलग हेडलाइंस छपती हैं। डॉक्टर एसपी बेहोत्रा जी ने पूरे भारतवर्ष को ये मैसेज दिया कि जितने भी हाइपोथायराइड के मरीज हैं, उन सबको गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोथायराइड को जड़ से खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर मैं हाइपोथायराइड की बात करूं, तो हाइपोथायराइड पर काम ये हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है, उसके थ्रू, उसी मैकेनिज्म के थ्रू करता है कि हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से T3 T4 रिलीज होते हैं और TSH लेवल्स डाउन हो जाते हैं। अगर मैं डॉक्टर शैलेश सहाय जी की बात करूं, तो उन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन पर बहुत अच्छे से काम करता है, यानी कि हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए, गामा ओरिजिनल बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी दवा के साथ गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको अपनी बीमारी की जांच समय दर समय करवाते रहना होगा, क्योंकि अगर गामा का प्रयोग करेंगे तो बीमारी डेफिनेटली डाउन होगी, उसका स्तर नीचे आएगा। बीमारी का स्तर नीचे आएगा तो दवा का स्तर भी नीचे आना चाहिए। तो जी हाँ, समय दर समय जब आप अपनी बीमारी की जांच करेंगे, तो आपकी बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी और एलोपैथिक दवा की डोजेज भी कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है सर विलियम ऑस्लर्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका ये कहना है, द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस। एक व्यक्ति जो दवा का सेवन कर रहा है, उसे दो बार अपने आप को हील करना पड़ता है, उसको दो बार अपने आप को ठीक करना पड़ता है। वंस फ्रॉम द डिजीज, पहली बार बीमारी से, एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन, और दूसरी बार दवा का यूज, जो उसने यूजेज किया, उसके साइड इफेक्ट से हील करना पड़ता है। और आखिर में बात करती हूँ आठवें फैक्ट की। आठवां फैक्ट है, हर वो व्यक्ति जो आज की तारीख में किसी भी बीमारी का रोगी नहीं है, क्या उसे गामा ओरिजिनल की जरूरत है? क्या उसे भविष्य में किसी एक हेल्थ कार्ड की जरूरत है, जो उसे अनेकों बीमारियों से बचा सके? जी हाँ, हेल्थ कार्ड की जरूरत है, और ये हेल्थ कार्ड कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनल है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। हर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति गामा ओरिजिनल का सेवन कर सकता है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि भारत में जब जब भोजन की थाली सजे, तब तब गामा ओरिजिनल उसके साथ परोसा जाए। हर एक भारतीय तक हमें गामा ओरिजिनल को पहुंचाना है, और ये काम RCM परिवार के अलावा और कोई नहीं कर सकता।